हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं। ये वीडियो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई है कि एक आर्ट्स के स्टूडेंट ने मुझे मेल किया कि क्या मेरे लिए आपका चैनल कुछ हेल्प कर सकता है। मैं आर्ट्स से हूँ और मुझे लगता है कि आर्ट्स में मेरे लिए कोई स्कोप नहीं है। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगी, किसी सब्जेक्ट में आप अपने आप को वीक मत समझिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उसे अच्छे से पढ़िए और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो अभी आपके पास आर्ट्स या साइंस क्या है? ऐसा हो सकता है कि आपका साइंस स्ट्रोंग है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मैथ्स स्ट्रोंग है, तो आपको और भी फील्ड में अपना इंटरेस्ट शो करना है, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ताकि आपको आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प मिल जाए। मान लीजिए कि आपके पास आज कुछ भी होमवर्क नहीं है, स्कूल से आप आए हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, तो आप सोचिए कि आपको अपनी सोसाइटी के बारे में कितना कुछ पता है। आपको न्यू टेक्नोलॉजी, जो न्यू फील्ड में इनोवेशंस हुई हैं हमारी कंट्री में इसी साल, जो जो कुछ नया हुआ है, आपको क्या पता है उसके बारे में। आप देख सकते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आजकल। तो चाहे आप गांव में हैं या शहर में हैं, तो आप लोगों को नहीं पता कि कौन कौन सी क्रॉप आई है, जो फील्ड में जो टेक्नोलॉजी फार्मर्स यूज़ करते हैं वो कैसे हुई, किसने की, किस तरह से की। तो आप इन सब में पढ़ सकते हैं, एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं उसे, और आपका सिर्फ पढ़ना या एक बार के लिए जान लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपने आप को इस फील्ड में स्ट्रोंग करने के लिए, अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए उसे इस तरह से पढ़ना होगा कि आप दूसरों को भी समझा सको। दो सामने वाले को अगर आप समझा पा रहे हो अच्छे से, और उस फील्ड, उस टॉपिक के बारे में आप उसे नॉलेज दे रहे हो, तो ही आपका पढ़ना फ्रूटफुल है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में फीमेल को लेके बहुत सारे इशू होते हैं, तो आप एक टॉपिक तैयार कीजिए कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फीमेल। तो आप उसको सिर्फ ऐसे नहीं कि एक बड़ी औरत के बारे में आप लिख रहे हो, आप इंटरेस्ट से करिए, स्टार्टिंग से कीजिए। जैसे ही फीमेल बोर्न होती है तो इन्फेंटिसाइड एक प्रॉब्लम है, फिर वो जब बच्चा बन जाती है तो उसके एजुकेशन और हेल्थ और न्यूट्रिएंट्स को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर सेक्सुअल अब्यूज़ एक हमारे सोसाइटी में आजकल बहुत ही गंदा एक इम्प्रेशन डाल रहा है बच्चों के साथ, किसी भी एज में कुछ भी हो जाता है, फिर चाइल्ड मैरिज एक कुछ एरिया में है बहुत एक बड़ा इशू हो रहा है, और मैटरनिटी इश्यूज़ हैं, और फिर मेंस्ट्रुअल अनहाइजीन। आप इन सब को अच्छे से पढ़िए, जानिए कि इसमें क्या क्या होता है सोसाइटी में, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है वुमेंस का। तो इस तरह से आप टॉपिक तैयार कर सकते हो, और सिर्फ ये पढ़ने से ही नहीं, आप इसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। आप इसे फ्लो चार्ट के थ्रू बताइए, एक फीमेल, एक बेबी का फोटोग्राफ डालिए, फिर उसके बाद एक गर्ल गर्ल का डालिए, स्कूल गोइंग गर्ल का डालिए, उसके बाद एक मैरिड का डालिए, फिर वो ओल्ड एज में जब जाती है तो उसे ओल्ड वुमेन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या क्या फेस करती हैं हमारी सोसाइटी से, या फिर आप उसे डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। उसके बाद आप अगर किसी पॉलिटिक्स में सपोज़ आपको इंटरेस्ट है, तो आप हमारे पॉलिटिशियन कितने हैं, क्या 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 उनके क्राइटेरिया होते हैं जो वो अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छा जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप YouTube पे सर्च कीजिए, एक राज्यसभा एक चैनल है, उसके डिबेट्स देखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पॉलिटिक्स की समझ में आ जाएगी, और आप इन स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर को लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सीखा है उसमें से क्या कुछ आता है। आप मैथ को ही लेके चलिए कि आपको छोटे छोटे बच्चों की जो किताबों में है वो कितना मैथ आता है, बहुत अच्छा मैथ होता है, और उसमें जो जैसे ट्रिक्स यूज़ होती हैं वो आप भूल चुके होते हैं, तो आप उनको रिवाइज़ कीजिए। कितने ही सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे होते हैं वो सभी आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, सब
सब्जेक्ट छोटे बच्चों की पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद उनका बेस डेवलप हो जाता है तो ही वो आगे कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। आप कहोगे कि हम स्कूल में जा रहे हैं, अभी हमें क्या ज़रूरत है इन सब की करने के लिए, और ये इतने सारे टॉपिक हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में कि हम समझ नहीं आता कि हम किस 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 पे कीजिए करें। सपोज़ आपने फीमेल को लेके कर लिया है, आपने पॉलिटिक्स को लेके कर लिया है, या फिर आपने टेक्नोलॉजी को लेके कर लिया है, तो अब क्या, ये आपने बताए थे ये हमने कर लिया, इससे तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप अपने फील्ड में अपने जो सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई टॉपिक देखें, उनमें देखें कि अभी नया क्या चल रहा है। आपने एडिशन में कर लिया तो आपको आपका बेस डेवलप हो रहा है इस तरह से, और आप जब भी कभी एंट्रेंस की तैयारी करेंगे किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको 100% में श्योर हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कम ही टाइम में आप वो एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकोगे। अगर आपकी और भी क्यूरीज है तो SSS साइंस इन सिंपल स्टेप्स पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।